हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं अप एंड डाउन कुर्ती। उसके लिए हमने ये कपड़ा लिया है। अप एंड डाउन कुर्ती के लिए हम फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को अलग अलग कट करेंगे। ये हमने कपड़े को टू फोल्ड में बिछा लिया है। अब सबसे पहले हम लंबाई का नाप लेंगे। हमारी रेडी लेंथ है 35 इंच, उसमें हम 2 इंच प्लस करके 37 इसकी लंबाई ले लेंगे। लंबाई का हमने नाप ले लिया है। अब हम ऊपर से स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। फोल्डेड वाली साइड से 2-2 इंच का मार्जिन रखते हुए पूरी कुर्ती में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 2-2 इंच का मार्जिन हम इसलिए रख रहे हैं कि कुर्ती का जो फ्रंट साइड है उसकी चाल को हम खुला रखेंगे, इसलिए फ्रंट साइड बीच में से कट हो जाएगा। अब हम 2 इंच का मार्जिन छोड़ के शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। तो शोल्डर पूरे हमारे 14 इंच के, उसका हम आधा करेंगे तो 7 इंच पे हम शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। अब हम मार्क करेंगे आर्मोल के लिए। तो जितने हमारे शोल्डर लिए उतने ही हम आर्मोल लेंगे और उसे स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर लेंगे। अब हम मार्क करेंगे चेस्ट के लिए। तो चेस्ट हमारी ये 34 इंच की, उसका चौथाई होगा हमारा 8.5 इंच। तो हम एक मार्क 8.5 इंच पे लगाएंगे। अब आर्मोल के नीचे से हम 6.5 इंच पे कमर के लिए निशान लगाएंगे और 13 इंच पे हम हिप के लिए निशान लगाएंगे। अब हम कमर की गोलाई के लिए निशान लगाएंगे। तो कमर हमारी ये 32 इंच की, उसका चौथाई होगा 8 इंच। तो हम 8 इंच पे एक निशान लगाएंगे और उसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। अब हम मार्क करेंगे हिप की गोलाई के लिए। तो हिप है हमारी 38 इंच, उसका चौथाई होगा 9.5 इंच। तो एक मार्क हम 9.5 इंच पे करेंगे और स्ट्रेट लाइन से उसे भी ड्रॉ कर लेंगे। अब सब निशानों को हम स्केल से ज्वाइन कर लेंगे और दामन को भी हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। अब हम आर्मोल के पास से 1 इंच का मार्जिन लेते हुए राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब हम चेस्ट और कमर में 2-2 इंच का मार्जिन रखेंगे और हिप और दामन में 1.5-1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर लेंगे। मार्किंग के अकॉर्डिंग अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग रेडी है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमने 2 फोल्ड में बिछा लिया है। बैक पार्ट में हम ऊपर से 2 इंच का मार्जिन लेके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने बैक पार्ट बिछा लिया है। अब हम इसके ऊपर फ्रंट पार्ट बिछाएंगे, लेकिन फोल्डेड वाली साइड से जो हमने 2 इंच रखा था वो नहीं रखेंगे, उसे हम फोल्ड कर लेंगे और इसी तरह बिछा के हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग रेडी है। फ्रंट पार्ट हमने इसका 37 इंच रखा है और बैक पार्ट हमने इसका 47 इंच रखा है, क्योंकि ये अप एंड डाउन कुर्ती है। तो आगे से ये अप होगी और पीछे से ये डाउन होगी। अब हम फ्रंट पार्ट लेके आगे का आर्मोल कट कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट में बीच से कट लगा लेंगे। ये कट हमने इसलिए लगाया कि जो हमने 2 इंच का मार्जिन रखा उसे हम फोल्ड करेंगे और आगे की साइड हम ऊपर से बटन ऐड करेंगे और नीचे हम चाल को खुली रखेंगे।
इसी के साथ हमारी अप एंड डाउन कुर्ती की फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग रेडी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।